श्री गणेश नम ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय हरे हरे भोले शिवाय ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय हरे हरे भोले नम शिवाय नमस्कार भक्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एम एस में भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे इसी प्रार्थना के साथ आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा का, का जिसे श्रवण करने से भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है तो प्रेम से बोले शिव शिवा की जय प्राचीन समय की बात है वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था वह बहुत ही अधर्मी दुरात्मा एवं महापापी था उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी उसका नाम चंचुला था। था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी। परंतु इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सह कर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नर्क में चला गया बहुत दिनों तक नर्क के दुखों को भोग कर वह मोड़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ इधर उस दुराचारी के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां वह भीचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं नहीं। करेगा। लेकिन यमदूत उसे छोड़ते ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई कथा समाप्त होने पर चंचुला ने कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं बुरे विषयों में फंस कर अपने धर्म से विमुख हो गई थी हे ब्राह्मण देवता आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूं मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा हे hey नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिव की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप ही पापों का शोधक है इससे ही पापों की शुद्धि होती है शिव की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है और वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है इसीलिए इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए इससे चित्त की शुद्धि होती है चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है हे ब्राह्मण पत्नी तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो इससे तुम्हारे चित की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी जो भी मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शुद्ध हो गया वह अपने हृदय में शिव के रूप का चिंतन करने लगी, वह सदैव शिव के सचिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और वह शिव धाम को प्राप्त हुई उसके सारे पाप धुल गए गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपने सखी बना लिया चंच पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से कहा कि हे सखी मैं चंच चंचुला बोली हे गिरिराज नंदिनी मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है कृपया मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें गिरिजा बोली बेटी तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था वह विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हृदय से बोली हे महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति का उद्धार कीजिए गौरी देवी ने कहा यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव की पुण्य में उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए फिर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम बोरो को बुलाकर कहा तुम बोरो तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है है वह अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम बोरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया और परम उत्तम शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया परम पुण्य में शिव कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया और शीघ्र ही धाम पहुंच गया भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए तो प्रेम से बोले शिव शिवा की जय एक अन्य कथा के अनुसार एक समय श्री महादेव जी पार्वती माता के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु भव्य एवं रमणीक शिव मंदिर बनवाया था जो कि मन को शांति पहुंचाने वाला था भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए फिर पार्वती माता ने कहा कि हे नाथ आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ शिव जी कहने लगे मैं ही जीतूंगा इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी उसी समय मंदिर के पुजारी जी भी वहाँ पूजा करने के लिए आए पार्वती माता ने उनसे पूछा कि हे पुजारी जी बताइए तो जीत किसकी होगी पुजारी बोला इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता इसीलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे परंतु हुआ उल्टा जीत पार्वती जी की हुई अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोड़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है अब तो पुजारी को कोड़ी हो गया शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए कुछ समय के बाद उसी मंदिर में कुछ अप्सराएं पूजा करने के लिए आई अप्सराओं ने पुजारी के कोड़ी होने का कारण पूछा पुजारी ने उनसे सभी बातें बता दी फिर अप्सराएं कहने लगी सोलह सोमवार का व्रत करें तो शिवजी भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपका संकट दूर पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों के बाद शंकर पार्वती जी फिर से उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया फिर पुजारी जी ने कहा कि हे माता अप्सराओं द्वारा बताए गए सोलह सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है फिर पार्वती जी ने भी सोलह सोमवार का व्रत किया जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए कार्तिकेय जी ने पूछा कि हे माता क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को सोलह सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि तब जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया और इसके फलस्वरूप वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर चल रहा था राजा ने प्रण किया था कि हतिनी जिस व्यक्ति के गले में वर्मा डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयं वर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया उसके बाद दोनों सुख पूर्वक रहने लगे एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिके जी द्वारा बताए अनुसार सोलह सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली है अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्व गुण पुत्र प्राप्त किया बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से सोलह सोमवार का व्रत किया राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा तुम इस पत्नी को त्याग दो नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया बुढ़िया ने कहा तुझे मेरा काम करना पड़ेगा उसने स्वीकार कर लिया तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई बुढ़िया ने डांट कर उसे वहां से भगा दिया अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले कि बेटी तू मेरे आश्रम में रहे। किसी भी प्रकार की चिंता मत कर रानी आश्रम में रहने लगी परंतु जिस भी वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती यह देखकर गुसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है फिर रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा बेटी तुम सोलह सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को बताया तब राजा ने वहां आकर गुसाई जी से कहा कि हे महाराज यह मेरी पत्नी है मैंने इसका परित्याग कर दिया था कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दी शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष सोलह सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय शिव पार्वती माता की जय ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ॐ जय शिव ॐ कारा एकान चतुरान पञ्चानन राजे हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ॐ जय शिव ॐकारा चतुर्भुज दश भुज अति सोहे निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम उम जय शिव कारा अक्ष मनमाला रु धारी मृग मत सो े भाले शशिधारी ॐ जय शिव ओकारा श्वेताम्बर पीताम्बर बागम्बरे अङ्गे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक सङ्गे ॐ जय शिव ओंकारा करके मध्यक मंडलो चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम जय शिव ओम कारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओम कारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमा भारी ओम जय शिव ओम कारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहते हरि हर हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओम कारा ओम जय शिव ओम कारा प्रेम से बोले शंकर भगवान के जय उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा हमारे चैनल पर व्रत कथा त्योहार से संबंधित जानकारी शुभ मुहूर्त और महात्म कथाएं सुनाई जाती हैं। अगर आप यह कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महादेव आपका मंगल हो